हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम पेंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ के लिए वीडियो है, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये सारे क्वेश्चन चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये आप लोग की थ्योरी एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। एंड अगर आप लोग क्लास टेंथ के हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सील विद एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है, हड़प्पन सील वर मेड ऑन सॉफ्ट स्टोन, दे कैरिड इंस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल फिगर, द सील वर ब्यूटिफुल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट वर्क ऑफ दिस एरा। तो ये सारे जितने भी आंसर्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज मैंने एक्सप्लेनेशन की एक अलग से वीडियो बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर चैप्टर समझना है तो वो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर देख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे डिक्टेट करके बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो जो है आप लोग बहुत ध्यान से और एंड तक देखिएगा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन निर्मल पेंटिंग्स। आंसर है, द स्मॉल टाउन ऑफ निर्मल इन आंध्र प्रदेश इंडिया इज फेमस फॉर इट्स वुडन वर्क एंड ग्लेज पेंटिंग्स। दीज फोक आर्ट पेंटिंग्स आर पेंटेड यूजिंग ऑयल पेंट्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड कलर्स एंड देयर थीम्स आर जनरली फ्रॉम द एपिक्स लाइक द रामायण एंड महाभारत। जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने अलग से आप लोगों के लिए बनाई है, उसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए अच्छे से समझा दिया है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देखेंगे। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के भी हो ना, तो उसी में आप लोग का पूरा जो फॉर्मेट है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफाइन वर्ल्डली पेंटिंग। आंसर है, द फोक आर्ट पेंटिंग ऑफ द वर्ल्डली ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र डिपिक्ट देयर वे ऑफ लाइफ इन अवर लाइवली मैनर, दीज ट्राइब्स एडॉन द वॉल ऑफ देयर होम विद दीज पेंटिंग्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एंड ड्यूरिंग वेडिंग एंड बर्थ सेलिब्रेशन, द पैटर्न ऑफ द वर्ल्डली इंडिकेट्स द सर्कल ऑफ लाइफ, द कलर स्कीम इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, हाउएवर इट इज़ लिमिटेड टू स्टार्क वाइट अगेंस्ट अर्थन कलर्ड बैकग्राउंड्स, दीज पेंटिंग्स आर स्क्रैप टू मैरिज सेरेमनीज एंड अनदर पॉपुलर थीम्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इज दैट ऑफ मैन एंड वुमेन डांसिंग इन सर्कल एंड स्पायरल्स अराउंड अ म्यूजिशियन। इन सब में मैंने थोड़ा सा लॉन्ग आंसर ही लेकर चली हूँ, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप लोग के सामने शॉर्ट आंसर आ जाता है तो इसको आप शॉर्ट ज़रूर कर लोगे, लेकिन अगर मैं शॉर्ट ही बताऊँगी और अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है वो क्वेश्चन, तो अगर आप लोगों को लॉन्ग में एक्सप्लेन करना पड़ा तो शॉर्ट को आप लॉन्ग में नहीं कर पाओगे। तो अगर बाई चांस शॉर्ट में आता है तो आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से कुछ हाईलाइटेड लाइन्स आप लोग लिख लेना अगर एक या दो मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, और अगर तीन से चार मार्क्स का या पाँच मार्क्स का आता है तब तो इतना लंबा आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर तंजौर पेंटिंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पेंटिंग्स एक्सप्लेन। आंसर है, तंजौर पेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पेंटिंग्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ पैटर्न एंड कट आउट पेंटिंग सब्सटेंसेज लाइक गोल्ड सिल्वर एंड कलर्ड स्टोन्स हैव ऑल्सो बीन यूज इन द पेंटिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू नो अबाउट नंदलाल बोस स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग। आंसर है, नंदलाल बोस एक्सप्रेस हिज इमोशन थ्रू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ही गेव न्यू डायरेक्शन टू द बंगाल आर्ट, ही ब्लेंडेड चाइनीज एंड जापानीज एंड डेवलप अ न्यू स्टाइल। ये वीडियो आप लोग का पार्ट वन वीडियो है, इसके बाद पार्ट टू वीडियो मैं लेकर आऊँगी, उसको भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ इंडस वैली। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का चैप्टर वन से आया है। आंसर है इसका, द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट मैन ऑफ हड़प्पा कल्चर वर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ मटेरियल लाइक मेटल, स्टोन कार्विंग, टेरिकोटा एंड पेंटिंग पोट्री, दीज आर्टिस्ट प्रिफर्ड टू यूज सिंप्लीफाइड मोटिव्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे वर इन्फ्लुएंस्ड एंड मोटिवेटेड बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड द कल्ट ऑफ शिवा एंड शक्ति इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन ऑल देयर आर्ट वर्क्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर सेवन, डिस्कस द स्टाइल ऑफ गंधारा बुद्धिस्ट स्कल्पचर। आंसर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द गंधारा स्कूल वाज द क्रिएशन ऑफ बुद्धा इमेज, दिस इमेज शोज रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ ड्रेपरी एंड टफ्ट लाइक हेयर स्टाइल ऑन द टॉप ऑफ द हेड, वन आर्म ऑफ दिस स्टैचू इज मिसिंग विच प्रोबेबली वॉज इन अभय मुद्रा। वैसे तो अगर आप लोग ने ये चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे तो आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन बाय चांस अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरी वीडियो की मदद से भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेन मेरा यहाँ पे फोकस इस बात पे कि आप लोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग को बता दूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए इसलिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया आप लोग का, कि अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप लोग वो जा करके देख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड मौर्य एम्पायर इन इंडिया इन द 4th CBC। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ, मैंने जो है एक प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए सैम्पल पेपर्स भी अपलोड कर दिए हैं, वो 2019 एंड मे बी 2018 या एग्जैक्टली 2018 एंड 19 के वो सैम्पल पेपर्स हैं पेंटिंग के। अगर आप लोग को जाकर देखना है उनके भी क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोग को चाहिए तो वहाँ पे खाली क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर है वो एग्जैक्टली वही पेपर है जो 2018 एंड 19 में आया था। तो अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन के आंसर गूगल पे भी मिल जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाएंगे, तो अगर उसकी हेल्प चाहिए आप लोगों को तो वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नो अबाउट द अजंता केव्स। द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र इंडिया आर 31 रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स विच डेट फ्रॉम द 2nd century BC। द केव्स इंक्लूड पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स कंसिडर्ड टू बी मास्टरपीस ऑफ बोथ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट। द केव्स वर बिल्ड इन टू फेजेस स्टार्टिंग अराउंड 200 BC विद द सेकेंड ग्रुप ऑफ द केव्स बिल्ड अराउंड 600 AD। अब इसमें तो अजंता केव्स के बारे में पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में अजंता केव नंबर 1 के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आंसर है क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केव नंबर 1 ऑफ अजंता केव। तो इसका आंसर है दिस केव हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इलाबोरेट कार्विंग ऑन इट्स फिकेट विद रिलीफ स्कल्पचर ऑन द इंटाबलेचर एंड रिजेस। देयर आर सीन कार्व फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्ध एज वेल एज अ नंबर ऑफ डेकोरेटिव मोटिव्स। अ टू पिलर्ड पोर्टिको विजिबल ऑन द 19th century फोटोग्राफ्स हैज सिंस पेरिश्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैलाश टेम्पल। आंसर है कैलाश टेम्पल मतलब कि कैलाश नाथ टेम्पल पूरा नाम है। ऑल्सो कैलाश नाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द 34 मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन 2 किलोमीटर दैट वर डग साइड बाय साइड इन द वॉल ऑफ द हाई बेसॉल्ट क्लिफ इन द कॉम्प्लेक्स लोकेटेड एट एलोरा महाराष्ट्र इंडिया एंड रिप्रेजेंट्स द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। इट इज़ डिज़ाइन टू रिकॉल माउंट कैलाश द एडोब ऑफ लॉर्ड शिवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश। तो इसका आंसर है बिटवीन 2500 बीसी टू 1750 बीसी। यहाँ पे अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को वन वर्ड वाले बताए हैं जो एक या दो मार्क्स के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट वाज द मीडियम ऑफ सील विद बुल डिज़ाइन। तो इसका आंसर है स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर वॉज स्टोरेज जार फाउंड। तो इसका आंसर है मोहन जोदारो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड राजस्थानी पेंटिंग फ्लरिश। तो आंसर है फ्रॉम 16 CAD टू 19 CAD। क्वेश्चन 15 है हु पेंटेड भरत मिलाप। तो इसका आंसर है गुमन ने ये पेंटिंग बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड मेरू रागनी। तो इसका आंसर है साहिब दिन, इन्होंने जो है ये मेरू रागनी पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग ने यहाँ तक जो है सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आप लोग को समझना है तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में समझाया है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर NIOS बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आए दिन अपडेट्स होते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, हर तरह की चीज़ आप लोग को यहाँ पर टाइम टू टाइम अवेलेबल मिलेगी। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके बाद मैं आप लोग को खास तौर पर यह बताना चाहती हूँ कि इसके बाद मैं पार्ट टू वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी इसी का, पेंटिंग का, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप लोग का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर कोई सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग को चाहिए कि उसकी वीडियो में अपलोड करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो सब्जेक्ट का नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बता दीजिए, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना करके विद इन 1 वीक आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।